न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अब चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाज सेवी संस्था केयर एंड सर फाउंडेशन द्वारा ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को चलते फिरते राहगीर को दिए गए गर्म कपड़े। डीजीएमएस के लॉ ऑफिसर श्रीमती रितु श्रीवास्तव ने दान किए गर्म कपड़ा। ये घटना है धनबाद शहर के समाज सेवी संस्था केयर एंड सर फाउंडेशन द्वारा धनबाद बरमसिया फाटक से पुराना रेलवे स्टेशन होते हुए धनबाद रेलवे स्टेशन दक्षिण छोर फाटक तक आज सुबह 11 बजे से ही जो भी जरूरतमंद राहगीर रास्ते में नजर आया जिनके शरीर में उन्हें कपड़ा नहीं था, उसे जरूरतमंदों को गर्म कपड़े पहनाया गया और दिया गया। आपको बता दें कि यह गर्म कपड़ा श्रीमती रितु श्रीवास्तव लॉ ऑफिसर डीजीएमएस के द्वारा संस्था को डोनेशन किया गया था, जिसमें स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफलर, लेडीज स्वेटर, बच्चों का स्वेटर और दस्ताना शामिल रहा। इसके लिए संस्था की ओर से श्रीमती श्रीवास्तव को भी धन्यवाद। और इस नेक कार्य में संस्था के सक्रिय सदस्य रॉबिन चटर्जी और जयदीप बनर्जी ने अपना अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि हर रोज की तरह आज भी रात को धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर में जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। जो पिछले दिनांक 16 अक्टूबर 2021 से बिना रुके प्रतिदिन शाम को निरंतर खाना खिला रहे हैं। संस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों को साथ खड़ा होकर उनको जरूरत को पूरा करने की कोशिश करना। उपरोक्त जानकारी संस्था के मीडिया प्रभारी नील कमल खवास के द्वारा दिया गया। केयर एंड सर फाउंडेशन के तरफ से मैं रॉबिन चटर्जी एक सदस्य हूँ। आज ऊनी कपड़ा, गर्म कपड़ा वितरण किया गया। बरमसिया फाटक से लेकर के स्टेशन तरफ जो रोड जाती है वहाँ राहगीर के गर्म कपड़ा वितरण किया गया। श्रीमती रितु श्रीवास्तव लॉ ऑफिसर डीजीएमएस धनबाद के तरफ से प्राप्त हुआ था। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।